हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के दही बड़े, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी के दही बड़े बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी सूजी ली है, बारीक वाली सूजी है। साथ ही में आधा कटोरी दही लिया है, फ्रेश दही, और आधा कटोरी ही पानी लिया है। सबसे पहले हम इसका बैटर बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़े बाउल में सूजी को डाल दिया है, साथ ही में मैंने दही को भी डाल दिया। दही अच्छा गाढ़ा है इसलिए मैंने आधा कटोरी का यूज़ किया। अगर पतला दही यूज़ कर रहे हैं तो आप एक कटोरी दही यूज़ करें। अब साथ ही में मैंने 1/4 कटोरी पानी डालकर इसका अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर एक कटोरी दही लिया है और साथ ही में 2 चम्मच चीनी के लिए हैं। चीनी को हम दही के अंदर डालकर अच्छे से फेंट देंगे और इसे वड़े के ऊपर डालने के लिए यूज़ करेंगे। दही को अच्छे से फेंट कर थोड़ा पतला और चिकना करना ज़रूरी है, इससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। देखिए हमारी दही तैयार है। अब मैंने बाकी इंग्रेडिएंट में ये 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता लिया है जिसे काट लिया है। साथ ही में ये थोड़ी सी इमली की मीठी चटनी ली है और ये हरी वाली चटनी ली है। मसालों में मैंने यहाँ पर नमक लिया है, लाल मिर्ची ली है, चाट मसाला लिया है और भुना जीरा पाउडर लिया है। साथ ही में 1/4 छोटी चम्मच मीठा सोडा लिया है। साथ ही किशमिश ली है जिससे हम वड़ों को स्टफ़ करेंगे, और ऑयल लिया है जिसमें हम बड़े फ्राई करेंगे। 15 से 20 मिनट हो गई है, देख लेते हैं हमारा सूजी कैसी हुई तैयार हुई है। ये देखिए यह काफ़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन हमें इसके अंदर पानी नहीं डालना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह अपने आप ही थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। 1 कटोरी सूजी का बैटर बनाने के लिए हमें 1/4 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ये 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालूँगी जिसे सोडा बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। साथ ही में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देना है, ज़्यादा देर तक इसे मिक्स करते नहीं रहना। इसी बीच में मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। अब हम एक किशमिश लेंगे, ये देखिए मैंने एक किशमिश ली है, और उसे बैटर पर डालकर उसे अच्छे से कोट करके एक वड़ा उठाकर मीडियम हॉट ऑयल में देंगे। ये देखिए मैंने एक वड़े को डाल दिया है। इस टाइम पर मैंने गैस फ्लेम को भी मीडियम ही रखा है। हम एक एक करके सारे वड़े इसी तरीके से डाल देंगे। आप चाहे तो वड़े डालने के लिए स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, पर यह हाथ से डालने में काफ़ी ईजी रहता है। जितने वड़े कढ़ाई में आ जाए उतने ही वड़े डालें और उन्हें अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है ताकि जो हमारे वड़े हैं वह अंदर और बाहर दोनों तरीके से अच्छे से सिक जाएं, कच्चे ना रहें। ये देखिए वड़े जो हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के वड़े भी इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेते हैं। 1 कटोरी सूजी से हमारे 2 बार में बैच कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने थोड़े से वड़े एक्स्ट्रा डाल दिए हैं क्योंकि एक दो वड़ा ही बचा, एक दो वड़े की सूजी ही बची थी, तो मैंने उसे भी इसी टाइम पर डाल दिया। अभी इसे भी हम पलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। हमें फ्लेम को हाई नहीं करना है ना ही लो करना है, हमें मीडियम फ्लेम पर ही सारे वड़ों को सेक कर तैयार कर लेना है। ये देखिए ये वड़े भी हमारे सिक कर तैयार हैं। इन्हें भी अच्छे से ऑयल निकाल कर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे वड़े हमारे बनकर तैयार हो गए। इतने वड़े 1 कटोरी सूजी से बने हैं। मैं आपको एक वड़े को तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा वड़ा एकदम से क्रिस्पी बना और अंदर तक सिक गया है, काफ़ी क्रिस्पी वड़ा बना है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब मैंने ये 2 गिलास पानी ले लिया जिसे गुनगुना कर लिया और उसके अंदर 1 छोटी चम्मच नमक का डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारे वड़ों को इसके अंदर डाल देंगे। जितने वड़े आप सर्व करना चाहते हैं उतने ही वड़े डालें, क्योंकि वड़ों को हमें डालते ही निकाल लेना है, इसके अंदर वड़े नहीं छोड़ने, नहीं तो पानी में घुल जाएंगे। बस जितने वड़े आप सर्व करने वाले हैं उतने ही वड़े डालें और उन्हें तुरंत ही पानी से बाहर निकाल लें। एक बार ऊपर नीचे से पलट दें ताकि वड़े अच्छे से पानी को सोख लें। हमें इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है। ये देखिए वड़े थोड़े से फूल गए हैं। मैंने तकरीबन इन्हें 1 मिनट से भी कम ही इन्हें पानी में छोड़ा। अब हम इन्हें दबाकर बाहर निकाल लेंगे। आप या तो इसे 2 स्पून की हेल्प से वड़े के अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दें, या फिर बर्तन के साइड में लगाते हुए दबाकर बाहर निकाल लें। देखिए जिस तरीके से अभी मैंने दबाया उसी तरीके से भी आप वड़े को निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी काफ़ी इजी रहता है। इसी तरीके से हम सारे वड़ों को निकाल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए एक प्लेट में मैंने 3 वड़े निकाल लिए। अब इनकी हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करने के लिए जो हमने मीठा दही बनाकर रखा था सबसे पहले वो डालेंगे। दही को अच्छी क्वांटिटी में डालें क्योंकि वड़ा जो है दही को अब्सॉर्ब करेगा और दही बाद में नहीं तो कम लगेगी। ये देखिए मैंने अच्छे से दही डाल दिया। अब मैं सौंठ की जो मीठी चटनी हमने बना कर रखी थी वो डालूंगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से है तो आप चाहे तो देख सकते हैं। ये देखिए मीठी चटनी भी मैंने इस पर डाल दी है। अब हम इसके ऊपर हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला डाल दिया है। साथ ही में मैंने इस पर थोड़ा नमक और लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर दिया है।
हम इस पे ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कम मसालों में बहुत टेस्टी दही बड़ा बनाकर तैयार करेंगे। अब मैंने इस पे हरा धनिया भी डाल दिया है, हरा धनिया डालना ऑप्शनल है, बस दिखने में काफ़ी अच्छा हो जाता है। देखिए मैं आपको वड़ा तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट वड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी सूजी के वड़े की तुरंत फुरत रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।